नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रेप्स फ्रॉम इंडिया। यानी अभी अंगूर का मौसम आ गया है, तो अंगूर इंडिया से हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या उसमें क्वालिटी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, डिमांड कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी कंट्री में इसकी अच्छी डिमांड है, कौन कौन सी कंट्री इसको इंपोर्ट करती है, एचएस कोड क्या है, ईपीसी क्या है, टॉप एक्सपोर्टर्स क्या है, यानी जो हमारे कंपटीटर हैं जिसके साथ में प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या है और सोर्सिंग में इसकी कहां से कर सकते हैं। अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसका सोर्सिंग सस्ते रेट पे कहां से कर सकता हूं, ताकि मैं इसको अच्छे रेट पे एक्सपोर्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये सब क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे छोटे से वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन यहां पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, अराउंड 100 से 200% प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। बाई एट रुपीज 40 पर केजी, यानी जब मौसम चलता है, जैसे अभी मौसम चल रहा है अंगूर का, तो मैं मार्केट गया अंगूर देखे, तो मुझे लगा कि अंगूर के लिए एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अंगूर का मौसम आ गया है, ग्रेप्स का मौसम आ गया है, लेट्स एक्सप्लोर अवर बिजनेस इन ग्रेप्स। तो 40 रुपीज पर केजी आपको इंडिया मार्ट से भी मिल जाएगा। अलग अलग लोकेशन वैसे मैं बताऊंगा आगे चल के कि आपको उसको सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, पर डायरेक्टली अगर वेबसाइट पे देखें तो इंडिया मार्ट में आपको 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से जरूर मिल जाएगा। और इसको एफओबी वैल्यू हमने डाटा उठा के देखा है, पोर्ट का डाटा उठा के देखा है, तो पोर्ट में आपको लगभग लगभग ये 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको ये मिल रहा है। मैं रिटेल बायर की कंट्री में रिटेल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कंट्री में एफओबी वैल्यू की बात करूं, जो हमारे पोर्ट पे फ्री ऑन बोर्ड एफओबी वैल्यू है, तो एफओबी वैल्यू यहां पे 120 रुपीज मिल रहा है, यानी 40 रुपीज से 120, यानी अराउंड आपको मैक्सिमम 300% तक यहां प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इसमें सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं कि 100 से 200% प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के क्या हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, तो इट हैज द रिच एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, जैसे मैंने कई बार अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि जैसे अगर रिच एंटीऑक्सीडेंट होगा, वो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल किसी का भी सेवन करते हैं, तो आपकी जो स्किन होगी वो एक यंग टाइप से दिखेगी और आप 40 साल की एज में भी 30 इयर्स की दिखेंगे, यानी आपकी एज थम सी जाएंगी, इसलिए लेडीज लोग भी इसको ज्यादा पसंद करती हैं। तो रिच एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट प्रिवेंट द क्रॉनिक डिजीज। अगर मैं बात करूं कैंसर की, इट प्रिवेंट द कैंसर। अगर ब्लड प्रेशर की बात करूं, इट मेंटेन द ब्लड प्रेशर, इट मेंटेन योर गुड ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। अगर बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, इट रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। अगर मैं शुगर डायबिटीज की बात करूं, इट कंट्रोल द शुगर, इवन इट रिड्यूस द शुगर लेवल, यानी ये जिसको डायबिटीज है उसके लिए अंगूर खाना, शुगर बढ़ेगा नहीं, शुगर का आपका कम होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आंखों की, इट गिव्स द इमेंस रिलैक्सेशन टू द आईज। और आपकी अगर मेमोरी की बात करूं, तो इट इंप्रूव योर मेमोरी। तो इतने सारे फायदे हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, तो इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। अगर मैं बोन्स की बात करूं, इट गिव्स यू द हेल्दी बोन्स, तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी। फ्रेंड्स, तो आप अंगूर खाइए भी और उसको एक्सपोर्ट करके अपना हेल्थ वेल्थ भी आप बढ़ाइए। फ्रेंड्स, हेल्थ भी बढ़ाइए, वेल्थ भी बढ़ाइए। फ्रेंड्स, अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं, तो एक सैंपल ले लेते हैं हम 151 ग्राम्स का, जिसको बोलते हैं एक कप। अगर 151 ग्राम्स का हम एक सैंपल ले लेते हैं, तो उसमें एनर्जी हमें मिलती है 104, यानी 104 कैलोरी हमें एनर्जी मिल जाती है। अगर कार्ब्स की बात करो, कार्ब्स मतलब जिसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे आपको 27.3 ग्राम्स देखने को मिल जाता है। प्रोटीन्स यहां पे 11.0 यानी 11 ग्राम्स आपको देखने को मिल जाता है। फाइबर की बात करूं, तो 14 ग्राम्स आपको फाइबर मिल जाता है। अगर फैट की बात करूं, 0.2 ग्राम्स फैट मिलता है, यानी आप इससे मोटे होने वाले नहीं है। आप जितना भी अंगूर खाएं, आप नहीं मोटे होंगे। आप दिल भर के, जी भर के अंगूर खाइए, ग्रेप्स खाइए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। यानी 151 ग्राम्स के सैंपल में ओनली 0.2 ग्राम्स आपको यहां फैट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, तो विटामिन सी आपको यहां देखने को मिलता है 27% ऑफ द आरडीआई। आरडीआई में कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि रिकमेंडेड डेली इंटेक, यानी जो डॉक्टर हमें डेली इंटेक करने के लिए रिकमेंड करते हैं कि उससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, तो ये विटामिन सी आपको देखने को मिलता है 27% ऑफ द आरडीआई। विटामिन के आपको देखने को मिलता है 28% ऑफ आरडीआई। अगर पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम आपको मिलता है 8% ऑफ आरडीआई। कॉपर मिलता है आपको 10% ऑफ आरडीआई। मैग्नीशियम, ये मैग्नीज आपको मिलता है 5% ऑफ आरडीआई। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें टॉप इंपोर्टर, यानी डिमांड किस किस कंट्री में इसका,
तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसके साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ इंपोर्ट कर रहा है 1.21 बिलियन US डॉलर, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, 1.21 बिलियन US डॉलर। अगर जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी सेकंड नंबर पे आता है, जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 920 मिलियन US डॉलर। अगर यूके की बात करूँ तो यूके यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 828 मिलियन US डॉलर। अगर नीदरलैंड की बात करूँ तो नीदरलैंड यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 821 मिलियन US डॉलर। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना 800 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड से। अगर फ्रेंड्स एचएस कोड की बात करें तो एचएस कोड ये 08 नंबर चैप्टर में आता है, जरूर आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 08061000 ये 8 डिजिट का इसका एचएस कोड है। फ्रेंड्स अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट द अंगूर टू एक्सपोर्ट द ग्रेप्स, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके अलावा बस एक दो डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आईसी हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, बेटा आपको आरसीएमसी लेना होगा, एडी कोड रजिस्ट्रेशन होगा, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, और अगर आपका ऑर्गेनिक है तो फिर ऑर्गेनिक का क्वालिटी सर्टिफिकेट आपको यहां लग जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ईपीसी की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो खाने पीने की चीज है, मेरे से पहले आप ही बता देंगे कि सर इसमें अपेड़ा लगेगा, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, बड़ा ईपीसी है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और 4-5 हज़ार रुपए का इसका ये आता है आरसीएमसी आता है, आप इसका आरसीएमसी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं टॉप कंपटीटर की बात करूं, यानी जिसके साथ में हमारा क्वालिटी और प्राइसिंग का संघर्ष होने वाला है, तो टॉप एक्सपोर्टर कौन कौन है, तो सबसे पहले यहां पे चाइना आता है। तो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 987.2 मिलियन US डॉलर का, दैट इज 11.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं बात करूं चिले की, तो चिले यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है 949 मिलियन US डॉलर का, दैट इज 11.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 918.6 मिलियन US डॉलर का, दैट इज 10.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएसए की बात करें, देखिए यूएसए यहां पे इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 855 मिलियन US डॉलर, दैट इज अराउंड 9.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इटली की बात करें तो इटली यहां पे 731.9 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज 8.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, तो अच्छी क्वांटिटी में इटली भी कर रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऐसे आगे और जाते जाएंगे तो 10 नंबर पे हम लोग आते हैं, वी आर एट द 10th place, तो 10 नंबर पे हैं इंडिया एक्सपोर्टिंग अराउंड 350.2 मिलियन US डॉलर, दैट इज 4.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम भी कर रहे हैं। हम 10 नंबर पे हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहना चाहिए कि 10 नंबर से हम 7 नंबर पे आए, फिर 5 नंबर पे आए, और फिर हम 2 नंबर पे, और वर्ल्ड में नंबर 1 हम बन सकते हैं जैसे चाइना बना हुआ है। तो प्राइसिंग और क्वालिटी का हमें ध्यान रखना है और हमें नंबर 1 बन रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, कहां से मुझे सस्ते रेट पे मिलेगा, तो यहां नंबर 1 पे आता है, आपको सबसे पहले जाना होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, मैं अपेड़ा का डाटा उठा के आपके साथ में बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 1275,000 मीट्रिक टन, तो बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो महाराष्ट्र से भी आप लेके, अगर महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नागपुर या विदर्भ के एरिया के आप रहने वाले तो अच्छी बात है। अगर आप महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट के रहने वाले हैं, तो आप महाराष्ट्र से भी लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं अपने ग्रेप्स को लेके। फ्रेंड्स अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो साउथ इंडिया में कर्नाटक आता है, कर्नाटक अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है, कर्नाटक कर रहे हैं 193,000 मीट्रिक टन, यानी 193,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन कर रहा है कर्नाटका। तो कर्नाटका और बाकी चीजों में भी प्रोडक्शन अच्छा है, एक्सपोर्ट भी अच्छा करता है कर्नाटका। तो अगर आप कर्नाटका से रहने वाले हैं तो वहां से भी लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी साउथ इंडिया के किसी एरिया से हैं तो आप कर्नाटका से सस्ते रेट पे लेके अंगूर ग्रेप्स आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो तमिलनाडु भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 84,400 मीट्रिक टन, तो यहां पर अच्छी खासी क्वांटिटी में तमिलनाडु भी कर रहा है, आप तमिलनाडु से भी लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं अंगूर को। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं, तो आंध्र प्रदेश भी यहां पर अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज 40.3,000 मीट्रिक टन,
यानी 40,000 मीट्रिक टन के आसपास का वो प्रोडक्शन कर रहा है। आप अगर आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं तो आप आंध्र प्रदेश से अपने स्टेट से भी लेके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं अपने ग्रेप्स को। अगर पंजाब हरियाणा की बात करूं तो पंजाब में 30,200 मीट्रिक टन और हरियाणा की बात करूँ 3,300 मीट्रिक, लगभग 3,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा है पंजाब में, हरियाणा में। तो और बाकी ऐसे छोटे छोटे से हैं, तो मेनली आपको जाना होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अंगूर का, ग्रेप्स का। आप यहां से लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।